आज ना मस्त सी धूप आ गई है शाम के टाइम में, तो मैंने आगे से कपड़े डाले हुए थे। आना जाना चार जंगल का रास्ता अलग से। अच्छा एक क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा कुछ नहीं कर रहा है। आप लोगों के वहाँ आई नहीं आई धूप बताना उत्तराखंड के जो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं भूमि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। आज ना 8 जुलाई है और अभी तक ना बारिश थमी नहीं है, मतलब 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक ना अभी तक बारिश ही बारिश चल रही है। पता नहीं प्लेन्स में क्या हो रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, ऊपर से लाइट भी नहीं है कल से, तो न्यूज़ वगैरह भी देख पाना मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और नमन क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? चिड़ियों को दाना दे रहे हैं। चिड़ियों को दाना डाल यहाँ पे बहुत सारे डाल थे मैंने, सब साफ कर दिए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं। और चिड़ियाओं को देख के ना नमन भी खेलता है, तो इधर उधर जाने की जिद भी नहीं करता है, एक जगह बैठ के चिड़ियाओं को निहारते रहता है। और अभी मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। लंच की तैयारी इसलिए कर रही हूँ ना इतनी जल्दी क्योंकि मेरी सासू जी और मेरे जेठानी जी गए हुए हैं घास। वैसे तो मेरा प्लान था आज घास जाने का, लेकिन ना नमन नहीं उठाता। अगर नमन उठा रहता तो मम्मी बोलती उसको, मतलब खाना वगैरह खिला के तू आ सकती थी, लेकिन नमन को अकेले छोड़ना ना घर पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये है पहाड़ों में आजकल हाल, और ना इस बारिश ने पूरी धरती को ना गीला कर दिया है। प्रकृति हरी भरी तो हो रही है लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे दाल बॉयल हो रही है और मैं यहाँ पे ना प्याज टमाटर वगैरह भी कट कर लेती हूँ। एक क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा कुछ नहीं कर रहा है। सो गाइस मम्मी लोग गए थे घास सुबह, भूमि नहीं गई बिकॉज नमन रहता नहीं है, मिस्टीना भी छोटी हो सो जाती है एक ही जगह पर, नमन नहीं रहता है बिना मम्मी के इसलिए नहीं गई। और मम्मी ने कहा कि एक तो घर में चाहिए वैसे भी, तो भाभी गई थी साथ में मम्मी के, तो भूमि ने ना खाना ना बनाया है, मतलब दो जने जाते हैं तो एक को घर में रहना पड़ता है, एक को खाना ना बनाना पड़ता है, तो भूमि नहीं गई थी इसी रीजन से। अब मम्मी भी कह रही थी कि कभी भूमि कभी भाभी दोनों को एक साथ नहीं ले आ सकती, एक एक ले जाऊंगी करके कह रही थी, तो आज भाभी की बारी थी। टूटी बाजू बंदड़ी लूं लट उलझी उलझी जाए। कहाँ तक गए थे? गोदिया था 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से लेके आ रहे हो ऐसे? आना जाना चार जंगल का रास्ता अलग से। अच्छा मैं तो ठीक है ना। सोई है बीबी? हाँ सोई है। अभी फिलहाल जो है बारिश रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, लगातार ऐसी है। कल शाम को थोड़ा बहुत मौसम सही हुआ था लेकिन मौसम अभी वैसी है। और आजकल ना हमने नीलू को अंदर रखी हुई है और एक्स भी बाहर से, नीलू का ना कलर निकल रहा था जगह जगह से,
तो बरसात में बाहर से रहती तो बाकी निकल जाता, तो हमने कहा कि नीलू को अंदर रख देते हैं अभी फिलहाल। दोस्तों मम्मी लोग भी आ गए हैं घास से और मैंने बिना खाना बना के रेडी कर लिया है। हम नमन कुछ देनी छोड़ते हैं ना, क्योंकि नमन के कान में गुड। वो देख कौन आया, जय जय करो नमन, जय 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 आ जाओ। ये कहाँ जा रहा है ये नमो, आ जाओ इधर आओ इधर आ। चलो हाथ एक हाथ दीवार पर लगाओ ना। तो यहाँ पे ना मिस्टी रानी भी उड़ गई है, मिस्टी रानी उड़ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने ना खाना भी परोस लिया है और मैंने ना बच्चों के लिए ये वाली डिश बनाई थी बधाई बात, तो अब बच्चों को भी खिलाते हैं और हम लोग भी खाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा मक्खियाँ हो रही हैं, तो ना परसों मक्खियों की दवाई लेकर आया था, तो करता हूँ फटाफट से मिक्स। बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यार मक्खियाँ, बच्चे बच्चे सोते हैं तो उनके ऊपर भी आते हैं अभी। अब ना इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा चीनी, क्योंकि ना चीनी में बैठते हैं मक्खियाँ, और थोड़ा सा पानी, इसके बाद इसको घोल के रख देंगे नीचे। चीनी डाल ली है मैंने, अब ले चलता हूँ इसको नीचे। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही है, इस मौके का ना भूमि ने अच्छे से फायदा उठा रखा है और सारे कपड़े ना सुखाने डाल दिए हैं। कुछ कपड़े यहाँ पर हैं, यहाँ पे सुखाने डाल दिए हैं, और नीचे सब सुखाने डाल दिए हैं, यहाँ पे अंदर सब सुखाने डाल दिए हैं। मतलब ना ये धूप ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी आती नहीं होगी, यहाँ लगातार कंटिन्यू बारिश थी, तो अच्छा लग रहा है। आज हल्की हल्की धूप है, लेकिन धूप भी नहीं है, मतलब ताप है, मतलब धूप की, और मौसम भी साफ हो गया है। जब से हम हल्द्वानी गए ना बीच में, तब से आज हल्का सा मौसम खुला हुआ है भाई, तभी और चारों ओर ना मौसम मस्त हो गया। देखो मौसम, देखो अब यार कितना अच्छा मौसम हो गया ना पहाड़ों का। हमारे वहाँ आज तो धूप आ रखी है, आप लोगों के वहाँ आई नहीं आई धूप बताना उत्तराखंड के जो भी हैं, क्योंकि ना उत्तराखंड में लगातार बारिश ही चल रही है। इस बीच में आसमान देख के लग रहा है कि अब बारिश नहीं होगी, शाम तक होगी। अगर शाम तक नहीं होगी दिखाऊंगा, अगर शाम तक हो जाएगी फिर भी दिखाऊंगा। मैं तो अपना काम कर रहा था, इतना भूमि ने आवाज दी बाहर आओ धूप आई है, बाहर आके दिखाना इतना मस्त मौसम हुआ है। तो आज ना मस्त सी धूप आ गई है शाम के टाइम में, तो मैंने आगे से कपड़े डाले हुए थे। आज बहुत दिन के बाद धूप आ रखी है और धूप की रोशनी से ना खेत ना मस्त चमक रहे हैं भाई, हरियाली दिख रही है चारों ओर। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो भाई। अब बारिश नहीं आनी चाहिए यार, क्यों हम परेशान हो गए बारिश से। दोस्तों हमारे गांव में ना 3-4 दिन से नेट नहीं चल रहे हैं, तो उसी लिए हम जा रहे हैं वहां पर। उनका अभी वाईफाई है ना, तो देखते हैं वहाँ पे चल रहा है तो ठीक, वरना फिर कॉल करेंगे। और तो दोस्तों सामने वालों का नेट चल रहा है, उनका यहाँ पे लगा हुआ है वाईफाई का, और हमारा नेट नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो देखते हैं यहाँ पर से कुछ होता है। तो देखो गाइस यहाँ पर रखा है इतना तार वगैरह वाईफाई के, अब इसमें हमारा वायर ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार ना भाई, हमारा वायर गया है ये वाला। तो ये जो इंटरनेट कनेक्शन जिनका है, मतलब जहाँ से आता है, वो लोग कहते हैं कि छत में जाना, क्या पता कोई वायर मोड़ रखी हो, उससे भी स्पीड में पावर का कुछ होता है इनका, तो चेक करके आना कह रहे थे। तो अब वायर ही नहीं मिल रही भाई, कौन सा वायर करें हम। बाकी इधर साइड इन लोगों का तो बढ़िया चल रहा है, उधर साइड 2 कनेक्शन है, एक एक हमारा है, एक बगलों का है, तो उनका भी नहीं चल रहा है भाई, यहीं से कुछ दिक्कत हो रहा था।